तो भाई दुनिया में जो है ना नेगेटिव चीज़ें भी होती है लोग मानते हैं, और दुनिया में पॉजिटिव चीज़ें भी होती है वो भी लोग मानते हैं, ठीक है। और हमने जो है ना बहुत टाइम पहले लगभग 6 या 7 महीने पहले एक वीडियो बनाया था हॉन्टेड बस का, और हम उस बस के पास पहुंच गए थे अपने गाँव से, लेकिन यार हमने ना उस बस को बिल्कुल हल्के में ले लिया था। हमें नहीं मालूम था यार वो बस इतना हॉन्टेड होगी, इतनी भूतिया होगी कि वहाँ से हमें जान छुड़ा कर भागना पड़ेगा। बिल्कुल गाइज, उस समय हम लोगों ने वहां पर बिल्कुल हल्के में लिया था कि वहां पर ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो कि हम लोगों को वहां पर डराए, या फिर जो बस है वो भूतिया है। लेकिन अब हम लोगों को भी पता है कि वो जो बस है कितनी डरावनी है, वो जो जगह है कितनी डरावनी है, और आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि वो जो जगह है कितनी डरावनी है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग एक बार फिर से इस वीडियो में जाएंगे उस बस के पास में, और पूरा का पूरा एक्सट्रीम टेस्ट लेंगे उस बस का। लेकिन एक्सट्रीम टेस्ट लेंगे उसके लिए हमारे पास इस बार काफी सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें भी है जो कि नेगेटिव चीजों को खत्म कर सके। और गाइज, उस डरावनी बस के पास जाने से पहले हमने भी काफ़ी सारी तैयारी कर ली है, क्योंकि गाइज पिछली बार भी वो बस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई थी, और स्टार्ट होने के बाद हमने आवाज़ ना देखा ताव वहाँ से भागे। लेकिन गाइज इस बार हमने, हमारे पास ही में एक तांत्रिक है, उससे काफ़ी सारे ऐसे सामान लिए उसने बताया कि भाई तुम लोग ऐसे मत जाना और काफ़ी सारा सामान लेके जाना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमने काफ़ी तैयारी कर ली है उस हॉन्टेड बस के पास जाने की, और गाइज इस बार हम उस बस को रात को चलाएंगे भी। कंफर्म है भूतिया बस है, हल्के में इस बार नहीं लिया जा सकता। आजा दिखा दे। तो गाइज जैसा कि उन तांत्रिक ने बताया कि एक मटकी ले लेना और इतना कुछ सामान ले लेना जो कि नेगेटिव एनर्जी पर काफ़ी हद तक काबू पा लेती है। तो भाई अब हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पहुंचते हैं वहां उस बस के पास, और वो बस हमारे गांव से लगभग 50-55 किलोमीटर दूर है। चलो भाई, जो होगा देखा जाएगा। जय माता दी। ये जो चाबी है ना वो उस बस की चाबी है, और ये एक्चुअली आपको बताऊं तो बस की भी चाबी नहीं है। बस को बड़े मजबूत से जंजीरों से बांधा गया है। आधा रास्ता हमारा तय हो गया है। हम 5 लोग हैं, गुड्डू, मैं, दिनेश, जीतू और शिवा, ठीक है। 5 लोग जा रहे हैं, फुल तैयारी है, जो भी होगा देखा जाएगा। आधा रास्ता जो है कट चुका है, और गाइज हम लोगों ने यहाँ पर आधा रास्ता तय कर लिया है, और हम लोग उस बस के पास में पहुँचने वाले हैं। और ये जो चाबी देख रहे हो ना आप मेरे हाथ में, वो है उस बस की चाबी जिससे उस बस का ड्राइवर उस बस को चलाता है, और हम लोग भी आज उस बस को चलाएंगे रात को 12 बजे इसी चाबी से चलाएंगे। और पिछली बार तो जो बस है वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इस बार हमारे पास काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उन चीज़ों को काबू में कर सके, तो रात को 12 बजे उस बस को चलाकर देखेंगे कि क्या होता है। तो गाइज हम उस बस के पास पहुंचने वाले हैं, और गाइज इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे साथ जो भी कुछ होगा या नहीं होगा, माता रानी की कृपा से नहीं, कुछ भी नहीं हो, लेकिन हम पूरी रात उस बस के पास बिताएंगे और रात 12 बजे उसको चलाने की भी कोशिश करेंगे। हमने पूरी तैयारी कर ली है, हमारे पास सारे इक्विपमेंट हैं, और गाइज अब बस के पास चलने की देरी है, चलते हैं। तो भाई वही रास्ता है, वही जगह है, और अभी बस जो है हमें दिखी नहीं है। दिखी क्या गुड्डू? रास्ता तो वही है भाई। नहीं अभी तो नहीं दिखी। नहीं दिखी? नहीं दिखी। गाइज पिछली बार इसी जगह पे हमारी बस खड़ी थी, और ये जगह देखते ही हमारे जो उन्होंने तांत्रिक ने बताया वो काम कर लेते हैं पहले ये रोक दो, बस यही रोक दे, गाड़ी बंद कर दे, आ जा बाहर। तो गाइस यार अब वो काम कर लेते हैं जिस काम के लिए हमें उस तांत्रिक ने बोला था कि आप जैसे ही उस जगह के ऊपर जाओ तो ये काम आप लोग कर लेना। तो उस काम के लिए हमारे पास ये चीज़ है, एक मटकी है, और मटकी के अलावा चावल है, ठीक है।
और चावल के अलावा यहाँ पर कपूर की गोलियाँ हैं, और यहाँ पर अगरबत्ती है, और यहाँ पर ये सिंदूर भी है, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये और चीज़ें हैं, और मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर हमारे पास ये है। कुछ भी होगा तो ये उस दौरान हमारी ये जो चीज़ है काम आएगी, यानी कि ये है नारियल। और गाइज मेरे पास यहाँ पर इस लोटे के अंदर, इस तांबे के लोटे के अंदर है गंगा जल। हम में से किसी को भी नेगेटिव एनर्जी अगर सताएगी तो ये गंगा जल हम उसके ऊपर छिटक लेंगे, हमारे ऊपर छिटक लेंगे। तो भाई अब तैयारी करो शिवराज, तैयारी करो सब आइटम इसके अंदर राई है, राई तो काफ़ी सारे डाल देते हैं चावल, इसके अंदर बहुत सारे चावल हो गए, ठीक है। और इसको बोलते हैं राई, और ये जो चीज़ है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को पास नहीं आने देती है, पता नहीं आपकी भाषा में क्या बोलते हैं। तो मेन चीज़ है सिंदूर, और ये कुमकुम डाल, सिंदूर भी डालने का बोला था उन्होंने। हाँ डाल दें, गाइज हमने मटकी यहाँ पर तैयार कर ली, और मटकी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और गाइज इस नारियल के ऊपर उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र उच्चारण करके इस पर्ची के अंदर बांध कर, ये जो मोली है उसके बांध कर, और उसने कहा था मटकी के ऊपर रख देना। और गाइज इस हम तांत्रिक विद्या को पे करके ही उस बस के पास जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे भाई। क्यों शिवराज? बिल्कुल, उसने बोला कि जब तक ये चीज़ आपके पास में रहेगी, समीप रहेगी, तब तक आपके कुछ भी नहीं होगा, 99% श्योरिटी है। उसके बाद में तो भाई माता रानी का सहारा है ना। तो गाइस अब क्या करते हैं, ये जो पूरी की पूरी मटकी और नारियल है इसको ले जाकर रख देते हैं उस बस के अंदर। आ गई। तो भाई बस जो है यहाँ पर आ गई है, और इस बस को देखकर कसम से हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो भाई अब एक काम करते हैं, तू क्या कर, इसका दरवाजा खोल। सबसे पहले तांत्रिक जी ने कहा था कि इस बस के पास टायर के पास ये कपूर जला देना, और ये अगरबत्ती ले जाना साथ में। तो दरवाजा खोल, अंदर नहीं रखना इसको, बाहर रखें, अंदर रखें, बाहर रखना। जैसे हम अंदर जाएंगे ना, अंदर लेके जाएंगे, और बाहर आते वक्त बाहर हमारे साथ में रखना है, साथ में रखो, साथ में रखना है, ठीक है। ये जो चीज है वो हमें साथ में रखनी है भाई। ये रख दो, यही रख दे। जय हो माता रानी, ठीक है। इसको टायर के पास कर दे, यहाँ कर दे, कहीं पे भी कर दे। तो भाई हमारा जो काम है वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, जो भी तांत्रिक ने बोला था, जो भी चीज़ें डाली थी, जो भी करना था हमने ख़त्म कर दिया है। और आज आपसे कोई भी नहीं बोलेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर दिल से अच्छे लगते हैं तो वैसे भी कर दोगे। और आज की पूरी जो रात है हम इसी बस के आसपास और इस बस के अंदर गुजारने वाले हैं। तो गाइस अब हमारी इस तांत्रिक विद्या को लेकर बस के अंदर चलते, लेकिन उससे पहले बस के चारों तरफ से देख लेते एक बार बस का नज़ारा। गुड्डू हाँ, आ जा, इसको वेस्ट मत कर, आराम से ना, आराम से सब जगह छेड़ दे। ओ भाई, तो गाइस यहाँ पर उस बस के ड्राइवर ने यहाँ पर जंजीरों से उस बस को पीछे तक बांध रखा है ना, पीछे तक यहाँ तक वो रहा लोक, पेड़ तक बांध रखा भाई। और यहाँ पर भी लोक है, यहाँ पर भी लोक है, और कितना मजबूत ये क्या बोल जंजीर है, कितनी मजबूत है। और यहाँ पर ये है इसकी चाबी भाई। अभी चाबी से कुछ नहीं करना, हम रात को 12 बजे चलाएंगे अनलॉक करके, ठीक है ना। अभी खोल देंगे इसको? नहीं, अभी मत खोल। और गाइज शायद पिछली बार हम आए थे तो यार ये जंजीर नहीं थी ना, नहीं थी पिछली बार ड्राइवर ने कहा हमें। इस बार जो है ना जंजीर भी हो गई, और यानी कि
घटना या तो रात को चली होगी या फिर ऑन हुई होगी, इसीलिए जंजीर का सहारा लिया, वरना नहीं। टायर को देखो यार, किस टाइप से बांध रखा है वहां पर। तो भाई रात के लगभग 10:30 बज गई है और यहाँ पर देखो चाय भी बन गई है। हमारे पास एक पानी का कैंपर है, दूध है, चाय बनाने के लिए सामान है, यहाँ पर लकड़ियाँ बहुत है, चाय बन गई है, ठीक है। और लगभग 10:30 बज गई है, चाय पीने का टाइम आ गया है। और भाई चाय पीने के बाद में जो है इस बस को हम लोग चला कर देखेंगे कि उसके, जब हम इस बस को रात को चलाते हैं तो क्या होता है भाई, ऐसी रात सुनसान और इस डरावनी बस को हम चलाएंगे तो क्या होगा। तो भाई अब जो टाइम है ना वो सिर्फ और सिर्फ 12 बजने में से 3 मिनट कम है। और अब ये टाइम जो होता है सबको पता है, हम सब ने सुन रखा है, नेगेटिव चीज़ों का होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ना ये बिल्कुल नेगेटिव है, उसके लिए मुझे जंजीर खोलनी पड़ेगी। ये है मेरे पास जंजीर की चाबी। हमने कैसे करके 12 बजने का वेट किया है, 12 बजे से पहले कुछ नहीं, 12 जैसे ही बजती है हम लोग इस गाड़ी को चलाना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल हॉन्टेड बस है, रात में नहीं चलती है, हद कर दो लेकिन रात में नहीं चलेगी, ठीक है ना। जंजीर बांध रखी है, मैं लॉक जो है वो खोल देता हूँ। कोई भी ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं करना है जो कि गलत लगे हमें, ठीक है। ये रहा इसका लॉक, ये रहा लॉक। आराम से सुन रहा था, आराम। हाँ 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 हाँ। और इतनी ठंड पड़ रही है यहाँ पर, चलो और वहाँ से भी खोलना पड़ेगा। यहाँ से निकल, यहाँ से गाड़ी तू चलाएगा? मैं चलाता हूँ भाई। अंदर गाड़ी की एंट्री करने से पहले वो मटकी लेकर चला साथ में। हाँ, मटकी में लेके आ जाऊँगा। तो भाई जो भी चीज़ है हमारे पास यही है, यही हमारी उम्मीद की किरण है। एक मिनट, अगरबत्ती अगरबत्ती चला पहले भाई। किसी को डर तो नहीं लग रहा शिवा? नहीं जी। तू बोल, डरना मत है ना, कुछ भी हो जाए लेकिन इसको ऑन रखना है तेरे को, डरना नहीं है। देखो भाई हमें इन चीज़ों पर भी विश्वास करना चाहिए और हम पूरी ये सेफ्टी लेकर चल रहे हैं। अब देखते हैं गाइस क्या होता है आगे। भाई खोलूँ दरवाज़ा? ठीक है खोल। जय माता दी, खोल दे आराम से, आराम से ना। उजाला लो, उजाला लो यार। तो भाई जहाँ जहाँ हम जाएंगे ये चीज़ हमारे साथ रहने वाली है, क्योंकि इसके बिना हम इस गाड़ी के अंदर एंटर नहीं होंगे, है ना दिनेश? बिल्कुल भाई। और अगरबत्ती हमने जला रखी है तो अगरबत्ती पकड़ के बैठ, इधर आ जा। अगरबत्ती, हाँ। तो गाइज आज से आज तक ये जो गाड़ी है, ये जो स्कूल बस है, वो सुबह के टाइम पे चली है और आज पहली बार हम लोग इस बस को रात के टाइम चला रहे हैं, इस हॉरर बस को, इस डरावनी बस को, वो भी लगभग रात के 12 बजे। तो ये चाबी मेरे हाथ में है, सारा सामान हमारे पास में है और यहाँ पर दिनेश ने अगरबत्ती भी जला रखी है और पवित्र जो पानी है गंगा जल वो भी हमारे हाथ में है। और अब मैं इस बस को स्टार्ट करता हूँ। कर दे। जय हो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। स्टार्ट हो चुकी है गाइस, बस स्टार्ट हो चुकी है भाई। आराम से गुरु, आराम से। Thank you.
तो गाइज गाड़ी को चलाते चलाते हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। अभी तक तो हमें किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई और ना कोई परेशानी हुई है, लेकिन गाइज भूतिया बस के अंदर बैठे हैं और वो भी रात के इस पहर के अंदर, गाइज 12 बजे के पहर के अंदर। उन आत्माओं का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है, लेकिन हमारे पास आज होता है इन सामग्रियों की वजह से हमें बिल्कुल भी डर बहुत कम लग रहा है भाई। भाई अभी तक तो सब नॉर्मल है, माता रानी बस नॉर्मल रखे यार। मैं तो बस यही है आज की रात इस बस के साथ निकल जाए। क्या लगता है गाइस, निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, कलेजा मुँह को आ गया है। मैं क्या बताऊँ, कलेजा मुँह को आ गया सच में। तो गाइस यार इस गाड़ी को हम करीबन रात के 12 बजे से लेकर और 1 बज चुकी है, बीच बीच में हम काफ़ी इस गाड़ी को चला चुके हैं और अब हम क्या करते हैं, इस गाड़ी को उसी पोजीशन के अंदर छोड़ देते हैं जैसे ये पहले थी, यानी कि अब इसके जो टायर हैं इनको वापस बांध देते हैं। बांधो। ये रहा मेरे पास लोक, वही जंजीर, वही पोजिशन, उसी तरीके से बांधना, ठीक है? बांधो जल्दी बांधो, ठीक। आग लगी जीतू। अरे कैमरा चालू कर। अरे भाग गया। शिवा ने आ गया। अरे शिवा आ गया। अरे क्या हुआ? अरे कैमरा चालू कर। अरे निकलो यार यहाँ से। अरे निकलो क्या, छोड़ो। अरे भाई गलो राज भैया, उठो यार, क्या हो रहा है? छोड़ो क्या? अरे यो कहीं जा रहे? बैठो कर रहे, छोड़ो। अरे अरे कहीं जा रहे? खड़ो यार, तू खड़ो। जीतू ये काम करिए यार, बस में गड़बड़ेगी भाई, बात सुन। गुडो चैलेंज कैसे थी? अरे छोड़, चैलेंज है। अरे यार बहुत बड़ी गड़बड़ होगी यार, हम लोग उधर भागे थे, ये बस में चले गए। अरे बस में नहीं जानू यार। अरे उयो गई यार। सिराज निकलो, निकलो तू, निकले चैलेंज की यार, ऐसे करो, चल ले, चलो ये चलो बस, गाड़ी में गाड़ी में गाड़ी। अरे रुको यार गेट लगा। अरे यार रुको, तू मेरे पास आ जा, चल दिनेश चल, निकल निकल। अरे भाई यार, अरे गेम लिया। ले चलो कट, चलो चैलेंज कैसे ठीक रही यार, कहीं को चल रे, निकल निकल गया, जल्दी लगा, चल दिनेश चल। अरे बैठ जाओ यार, गेम लिया आ लो यार। अरे यार वो शिवराज कहीं हो, शिवराज भी है यार, गुड्डू। अरे अरे जीतू चल चल चल। अरे यार ये काई हो यार, हॉस्पिटल ले जल्दी, शिवराज भैया नहीं, मत करो यार,
यार ऐसी तेजी करो, ऐसी चैलेंज की यार, भूतिया बस के पास कभी नहीं आएंगे यार। रुक जाओ यार, तुम रुक जाओ मत करो यार। अरे यार ऐसी तेजी करो, ऐसे चैलेंज की भाई, कैमरा बंद कर दे यार, बंद कर दे, बस बंद ही कर दे तू कैमरा।